गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट साइंस में हमने चैप्टर 9 रीड किया था, जिसमें हमने हाउस और क्लोथ्स, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, तो हाउस के बारे में रीड किया था, जिसमें हाउस में डिफरेंट रूम्स होते हैं उनके बारे में हमने रीड किया था। उसके बाद क्लोथ्स के बारे में रीड किया था, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वियर करते हैं, उसके बारे में रीड किया था। तो आज अपन देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ए, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जो हमारा हाउस है वो हमको किससे प्रोटेक्ट करता है, हीट कोल्ड बोथ मीन्स हीट और कोल्ड दोनों से। तो राइट आंसर ये है बोथ, सी, इसके आगे राइट का टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वी ईट फूड इन डैश रूम, हम फूड ईट कहाँ करते हैं, हाउस में या होम में हम फूड ईट कहाँ करते हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम या स्टोर रूम। तो डाइनिंग रूम में हम फूड ईट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अ हाउस कीप अस, अ क्लीन हाउस कीप अस, जो साफ सुथरा हाउस है वो हमको क्या रखता है, हेल्दी, अनहेल्दी या टायर्ड। तो हेल्दी, क्लीन हाउस हमको हेल्दी रखता है। इन विंटर वी वियर डैश क्लोथ्स, विंटर सीजन में हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन, वूलन या बोथ, विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स वियर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी हेल्प से आपको इनको फिल करना है। वर्ड्स आर कवर, थीव्स, जर्म्स, समर और स्लिप। फर्स्ट ब्लैंक है, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हाउस जो है वो हमको किससे प्रोटेक्ट करता है, थीव्स से, चोरों से, थीव्स है वो फर्स्ट नंबर में आएगा, थीव्स से हमको प्रोटेक्ट करता है कौन, हाउस। वी डैश इन बेडरूम, बेडरूम में हम क्या करते हैं, स्लीप, बेडरूम में हम क्या करते हैं, स्लीप होते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं। वी वियर क्लोथ्स टू डैश अवर बॉडी, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, हमारी बॉडी को क्या करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं, कवर, क्या करने के, कवर। इन डैश वी वियर कॉटन क्लोथ्स, कौन सी सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, समर, जब गर्मी पड़ती है तब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। डर्टी क्लोथ्स हैज डैश दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जिससे कि हमको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें होते हैं जर्म्स, क्या होते हैं, जर्म्स। तो लास्ट जो ब्लैंक है उसमें फिल करेंगे जर्म्स। ओके, अब है मैच द टू कॉलम्स, कॉलम ए है और कॉलम बी है, कॉलम ए में हाउस में जो रूम्स होते हैं उनके नाम हैं और कॉलम बी में कुछ वर्क है जो इन रूम से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले किचन में क्या करते हैं, कुक फूड, खाना बनता है किचन में, कुक फूड यानी खाना बनता है। बेडरूम में क्या होता है, बेडरूम में स्लीप करते हैं अपन, रेस्ट करते हैं, सोते हैं। ड्राइंग रूम में वेलकम गेस्ट, तो थर्ड को ए से मैच करेंगे, फर्स्ट को डी से मैच किया, सेकंड को सी से मैच किया, थर्ड ड्राइंग रूम वेलकम गेस्ट का वेलकम करते हैं। स्टोर रूम में थिंग्स को स्टोर करके रखते हैं, जो हमारे कभी कभार काम आने वाली थिंग्स होती है उसको स्टोर में रखते हैं। बाथरूम टेक बाथ, तो फोर्थ को ई से मैच किया और लास्ट फाइव है उसको बी से मैच किया। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है, व्हाई डू वी नीड ए हाउस, हमको हाउस की जरूरत क्यों होती है, तो वी नीड अ हाउस टू लिव, रहने के लिए हमको हाउस चाहिए, तो वी नीड अ हाउस टू लिव, रहने के लिए हमको हाउस चाहिए, लिव इन, हाउस की क्या जरूरत होती है, रहने के लिए हाउस चाहिए। ओके, वी नीड ए हाउस टू लिव इन,
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी कीप अवर हाउस क्लीन, हमको हाउस को क्लीन क्यों रखना चाहिए। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन टू कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स। हाउस क्लीन होगा तो वो हमको हेल्दी रखेगा और जर्म से प्रोटेक्ट करेगा। तो वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन टू कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स। जर्म से प्रोटेक्ट होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हम हाउस को क्लीन रखेंगे। ओके, क्वेश्चन थर्ड है नेम वेरियस रूम्स इन अ हाउस। हाउस में कौन कौन से रूम होते हैं उनके नेम बताइए। बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड स्टोर रूम। ओके, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड स्टोर रूम, इतने रूम्स हाउस में होते हैं। फोर्थ है फ्रॉम व्हाट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस। फ्रॉम व्हाट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस, क्लोथ्स जो है वो हमको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट, यानी क्लोथ जो है वो हमें कोल्ड, रेन, डस्ट, हीट एंड इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं हमको। ओके, नाउ क्वेश्चन फाइव, फ्रॉम वेयर वी गेट कॉटन एंड वूल। कॉटन और वूल हमको कहाँ से मिलता है। तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड वूल फ्रॉम शीप। कॉटन जो है हमको कॉटन प्लांट से मिलता है और जो वूल है वो हमको शीप से मिलती है। ओके, तो ये आपके आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर 9 के। और आपको क्वेश्चन ए, बी, सी और डी, सी तक आपको बुक में फिल करने हैं और क्वेश्चन डी है वो आपको कॉपी में क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।